बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से संचालित बस सेवा में शुक्रवार को 75 नई CNG बसें शामिल हो गई। इसमें 25 AC बस और 50 नॉन AC बस शामिल है। इसमें 61 बसों को सिटी सेवा में शामिल किया गया है, जिसमें 21 AC बस और 40 नॉन AC बस शामिल हैं। इन बसों का परिचालन शुरू होने से नगर सेवा में बसों की कुल संख्या 145 हो गई है। इसमें 120 CNG बस और 25 इलेक्ट्रिकल बस शामिल है। 14 बसों को लॉन्ग रूट में शामिल किया गया है। इसमें 4 AC बस और 10 नॉन AC बस है। इनके शामिल होने से लंबे रूट की बसों की कुल संख्या 455 हो गई है। इसमें 6 AC बस और 449 नॉन AC बस शामिल है। निगम के फ्लीट में कुल बसों की संख्या 894 हो गई है, जिसमें 600 उसकी अपनी बसें हैं और 294 PPP मोड पर चलने वाली बसें हैं। बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल से एम्स होते हुए एयरपोर्ट पर भी अब CNG बस की सेवा चलेगी। 61 बसों के आने से सिटी बस सेवा पूरी तरह डीजल मुक्त हो गई है। इसके सिटी बस बेड़े में शामिल होने के बाद 50 डीजल बसों को सिटी सेवा से बाहर निकाल दिया गया है। इससे पटना में पर्यावरण प्रदूषण के स्तर में कमी होगी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।